दोस्तों पाकिस्तान में 77 साल से बंद पड़े एक पुराने शिव मंदिर के दरवाजे हाल ही में खोले गए दोस्तों ये घटना उन्नीस की है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ब्रिटिश शासन से आज़ादी के साथ ही भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने इस विभाजन को पार्टीशन कहा जाता है उस दर्दनाक समय में लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तान चले गए जिसके साथ हिंसा और अत्याचार की कई घटनाएं भी हुई आज भी भी उस बंटवारे की कड़वी यादें भुला पाना बेहद कठिन है और भारतीयों के दिलों में उस समय का दर्द अब भी जीवित है विशेषकर जो मंदिर पाकिस्तान में आ गए इन्हें बंद कर दिया गया था और तब से वे बंद पड़े थे लेकिन जब इस बंद मंदिर के दरवाजे खोले गए तो भगवान शिव का एक अद्भुत चमत्कार सामने आया जिसे देख कर सभी के होश उड़ गए ये घटना न केवल चौंकाने वाली है बल्कि हमें उस दर्दनाक इतिहास की भी याद दिलाती है जब बटवार ने लाखों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया ऐसा ही एक पुराना हिंदू मंदिर है शिवाला तेजा सिंह मंदिर जो कि आज भी पाकिस्तान के सियालकोट में मौजूद है शिवाला तेजा सिंह मंदिर उस समय बेहद खूबसूरत हुआ करता था इस मंदिर को बड़े ही खूबसूरती के साथ बनाया गया था इसे बनाने में बड़े बड़े पत्थरों पर बारीक नक्काशी की गई थी इस मंदिर में भोले बाबा की पूजा की जाती थी सियालकोट में स्थित इस मंदिर का निर्माण तेजा सिंह द्वारा करवाया गया था इसीलिए इसका नाम शिवाला तेजा सिंह मंदिर रखा गया था इस मंदिर की पूजा करने वाले पुजारी कई पीढ़ियों से इस मंदिर की देखभाल और पूजा अर्चना करते आए थे वो पलायन नहीं करना चाहते थे उन्होंने अपनी मृत्यु को इस मंदिर को सौंप दिया था जब कट्टरपंथी पाकिस्तान वाले इलाके में हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे तब उनकी नज़र इस मंदिर पर पड़ी उन्होंने मंदिर के पुजारी के साथ काफ़ी गंदा व्यवहार किया और उनकी हत्या कर दी इसके बाद इस मंदिर को बंद कर दिया गया लेकिन इस घटना के बाद जब हिंसाओं ज्यादा बढ़ गई तो कई लोगों ने इस मंदिर के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया और उसकी दीवारों को क्षतिग्रस्त कर दिया लेकिन मंदिर के दरवाजों को नहीं खोला गया ऐसा कहा गया कि इस घटना के बाद से इस मंदिर को कभी नहीं खोला गया कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि इस मंदिर के अंदर पुजारी की हत्या हुई है इसीलिए यह एक श्रापित मंदिर है अगर कोई इसे खोलेगा तो उसके साथ उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा जब ये खबर चारों ओर फैलने लगी तो लोग उसके पास जाने से भी डरने लगे लेकिन साल 2019 में 77 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था आगे आपको पता चलेगा आखिर क्या हुआ जब पाकिस्तान में बंद पड़े इस मंदिर के दरवाजे 77 साल बाद खोले गए आखिर क्या चमत्कार सबको देखने को मिला ये घटना हुई 2019 में जब रुपेश नाम का एक हिंदू व्यक्ति पाकिस्तान में रहा करता था बंटवारे के दौरान उसके माता पिता पुश्तैनी घर के कारण पाकिस्तान में ही रुक गए तब से अब तक भी संघर्ष करते हुए पाकिस्तान में ही जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे ये लोग उन तेजा सिंह जी के वंशज थे जिन्होंने शिवाला तेजा सिंह मंदिर का निर्माण करवाया था साल 2019 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हिंदुओं के लिए विभाजन के दौरान बंद पड़े मंदिरों को एक-एक करके खोल रहे थे उनका मकसद हिंदुओं की हमदर्दी पाना था इसी बीच रुपेश सरकार को एक लेटर लिखा गया जिसमें उसने बताया कि आज भी सियाल कोर्ट में बंद पड़ा शिवाला तेजा मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाया था जो कि बंटवारे के बाद से आज तक बंद पड़ा है आप उस मंदिर को खोलने का ऑर्डर दीजिए शिवाला तेजा मंदिर काफी सुंदर था इसकी नकाशी और बनावट भी जबरदस्त थी जिस वजह से सरकार को भी इस पर और ध्यान देना पड़ा कुछ ही दिनों में शिवाला तेजा मंदिर को खोलने के आदेश दिए गए लेकिन कोई भी इस मंदिर को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था क्योंकि सब लोगों को ये मंदिर श्रापित मंदिर लगता था उनका मानना था कि इस मंदिर के अंदर बंटवारे के दौरान पुजारी की हत्या हुई थी जिसके बाद इस मंदिर को श्राप लगा है जो भी इसे खोलेगा उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा लेकिन रुपेश ने हिम्मत दिखाई और लोगों के वहम को नज़रअ ज करते हुए ओम नमः शिवाय बोलकर 2019 में 77 साल बाद इस मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए जब सब लोगों ने मंदिर के अंदर का नज़ारा देखा तो उनके होश उड़ गए क्योंकि मंदिर अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये मंदिर 77 साल से बंद पड़ा है जब सब लोग मंदिर के अंदर गए तो कुछ दीवारें खराब हो चुकी थी लेकिन शिवलिंग के ऊपर एक बेल पत्र मौजूद था जो कि एकदम ताज़ा था सबके मन में एक ही सवाल था कि यह मंदिर अगर सालों से बंद पड़ा था तो यह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर किसने चढ़ाया तब लोगों का कहना था कि आज भी मंदिर के पुजारी की आत्मा यहां पर भटकती है और रोज शिवलिंग की पूजा करती है बेलपत्र भी उनके द्वारा चढ़ाया गया है सब लोग बहुत हैरान थे लेकिन उस एरिया के जितने भी हिंदू लोग थे वे बहुत खुश थे क्योंकि वे सालों से इस मंदिर को खुलता हुआ देखना चाहते थे और रूपेश जी की हिम्मत से उनका यह सपना सच हुआ था इसके बाद पेश जी इस मंदिर में मुख्य पुजारी के तौर पर ही नियुक्त किए गए और इस मंदिर के ऊपर लगा श्राप भी हमेशा के लिए मिट गया वहाँ रोज शिवलिंग की पूजा होने लगी क्योंकि सियालकोट में मौजूद ये मंदिर महादेव का काफ़ी भव्य मंदिर था इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते थे इस घटना से दोस्तों हमें ये पता चलता है कि हम हमारी ओर से कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन ऊपर वाले की लीला को बदल नहीं सकते बंद पड़ा मंदिर आखिर सतर साल बाद खुल ही गया इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं साथ ही वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई और दिलचस्प जानकारी के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया